सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। आज मैं BF.7 वेरिएंट जो हमारा कोविड वायरस नया चाइना में काफ़ी स्प्रेड हो रहा है और इंडिया में 4 केसेस भी मिल गए हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। सो फैक्ट नंबर 1 क्या है कि क्या है ये वायरस। सो जनरली जो मेन कोविड वायरस था उससे डिफरेंट म्यूटेशंस होते हैं, तो जब भी म्यूटेशन होता है तो वायरस का एक नया जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम वेरिएंट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल ओमिक्रॉन जो हमारा थर्ड वेव इंडिया में आया था वो ओमिक्रॉन के कारण आया था, तो ये एक वेरिएंट है। ओमिक्रॉन भी 500 से ज़्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं और डिफरेंट सब वेरिएंट्स आने लगे हैं। सो BF.7 क्या है, ये सब वेरिएंट्स ऑफ ओमिक्रॉन है। सो क्या है ये वायरस, क्या चांसेस हैं कि इंडिया में फोर्थ वेव आने के चांसेस हैं या नहीं है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो नेक्स्ट फैक्ट अबाउट BF.7 है कि इसके हाई ट्रांसमिबिलिटी है। कहने का मतलब कि एक इन्फेक्शन होता है लोगों को किसी को BF.7 से, तो इससे 10 से 18 लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टिविटी रेट है। सो ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है बहुत कम होता है। इंक्यूबेशन पीरियड कहने का मतलब इन्फेक्शन से सिम्टम वाला ड्यूरेशन, सो बहुत ही कम है, 1 से 2 दिन है, तो तुरंत ही आपको सिम्टम्स आने लगेंगे। क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, तो जनरली जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो सिम्टम होता है, जैसे कि फीवर होना, गले में दर्द होना, जुकाम होना, सर दर्द, बॉडी एक, ये कॉमन सिम्टम जो ओमिक्रॉन से भी देखा गया था वही सिम्टम्स है। लेकिन इसके साथ साथ उल्टी, दस्त, ये भी हो सकता है, तो ये सिम्टम जो जनरली हम लास्ट ओमिक्रॉन से देख रहे थे वैसे ही सिम्टम्स हो रहे हैं। क्या मॉर्टेलिटी रेट इससे हाई है, नहीं। ये गुड न्यूज़ है कि ये वायरस जनरली मॉर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है। सो जैसा कि थर्ड वेव में हमने देखा ओमिक्रॉन काफ़ी इन्फेक्शन हुआ लेकिन किसी को उतनी सीरियस प्रॉब्लम ओमिक्रॉन से नहीं हुई थी। सो ये भी वायरस बहुत ही ज़्यादा मॉर्टेलिटी नहीं करवा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है इन्फेक्शन होने में। जब ये ट्रांसमिट होता है तो काफ़ी लोगों को फैलता है और जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम है तो हो सकता है उनमें कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस करवा सकते हैं। क्या इंडिया भी फोर्थ वेव हो सकता है BF.7 से, इंडिया में भी हो सकता है। सो क्योंकि इंडिया में जो वैक्सीन दी गई है काफ़ी हाई रेट में दी गई है और इंडिया में जो इन्फेक्शन रेट था थर्ड वेव में या सेकेंड वेव में काफ़ी हाई था, तो उससे हमें दो तरह की इम्यूनिटी मिली, एक हम हाइब्रिड इम्यूनिटी बोलते हैं और एक हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। हर्ड इम्यूनिटी जो इन्फेक्शन होने के कारण दूसरे जो नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन हैं उनको भी इम्यूनिटी मिलती है, तो ये इम्यूनिटी रेट काफ़ी हाई है। और दूसरा, ओमिक्रॉन थर्ड वेव इंडिया में आ चुका है और ये ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है, तो चांसेस, और जितने भी रिसर्चर हैं, एक्सपर्ट हैं, वो बता रहे हैं कि चांसेस कम है कि इससे ज़्यादा स्प्रेड हमारे कंट्री में हो, फिर भी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। सो आशा करता हूँ ये नए वेरिएंट के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली हो। और नए वेरिएंट में ये भी देखा जा रहा है कि जो लोग पहले से इन्फेक्ट हो चुके हैं या वैक्सीन ले चुके हैं उनको भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर BF.7 का है। सो होप, आशा करता हूँ ये BF.7 के बारे में कुछ आपको फैक्ट्स पता चले हों। तो अभी से ख्याल रखें, जो भी सावधानी हम कोविड के समय रख रहे थे जैसे मास्क पहनना, डिस्टेंस मेंटेन करना, ट्रैवल कम करना और ओवरक्राउडिंग प्लेसेस में नहीं जाना, फ्रीक्वेंट हैंड सैनिटाइज करना, तो खासकर जो अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून के मरीज हैं अभी से अपना ख्याल रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इस मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं आपको अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून बीमारियों के बारे में और इम्यूनिटी रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उसके बारे में बताता रहता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।